हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड KG 2, सब्जेक्ट मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर नंबर्स। अब हम सीखेंगे कि आफ्टर नंबर किसे कहेंगे। आगे के वीडियो में हमने सीखा था कि बिफोर नंबर किसे कहते हैं। तो बिफोर नंबर आगे का जो नंबर, जो हमें नंबर दिया होता है, वो नंबर के आगे का जो नंबर होता है वो बिफोर नंबर होता है। आज हमें सीखना है आफ्टर नंबर। तो आफ्टर नंबर किसे कहेंगे? यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, नंबर का चार्ट है। तो 0 से यहाँ पे 10 नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए अब आफ्टर किसे कहते हैं। आफ्टर यानी कि पीछे का, आफ्टर यानी कि पीछे का नंबर। तो देखो, तो यहाँ पे 0 के पीछे का नंबर कौन सा है? 1। 1 के पीछे का 2, 2 के पीछे का 3, 3 के पीछे का नंबर 4, 4 के पीछे का 5, 5 के पीछे का 6, 6 के पीछे का 7, 7 के पीछे का 8, और 8 के पीछे का 9, और 9 के पीछे का 10। वैसे ही हम 11 से 20 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 कलर की अलग अलग बॉल है। ये है येलो, ये है वाइट, और ये है पिंक। अब स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि येलो के पीछे वाली दरी कौन सी है, बॉल कौन सा है? तो वाइट कलर का। और वाइट के पीछे वाला बॉल कौन सा है? तो पिंक कलर का। अब आपको बताना है कि आफ्टर किसे कहते हैं। चलिए, तो वाइट के पीछे का वाइट के पीछे का जो बॉल का कलर है, जो बॉल है वो कौन से कलर का है? तो पिंक कलर। वाइट के आफ्टर वाला पिंक, येलो के आफ्टर वाला वाइट। समझ में आप लोगों को आता होगा कि ये येलो है, येलो के आफ्टर आफ्टर तो वाइट, वाइट का आफ्टर पिंक, येलो के बाद वाला जो आता है बॉल वो वाइट है, और वाइट के बाद वाला आफ्टर यानी कि पीछे का बाद में आता हो वो कलर तो पिंक। फिर मैं आपको या ऐसे करके दिखाऊँ तो, चलिए, पिंक के आफ्टर का बॉल कौन सा है? येलो। येलो के आफ्टर का बॉल वाइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आफ्टर किसे कहते हैं। येलो के पीछे का जो बॉल है उसे हम बोलेंगे येलो बॉल के पीछे वाला, यानी कि आफ्टर वाला बॉल कौन सा है? तो वाइट। और पिंक के पीछे वाला तो येलो। अब आपको यहाँ पे देखना है, मैंने बताया आप लोगों के 1 के पीछे का 2, 2 के 3, 3 के पीछे का 4। वैसे ही यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे नंबर चार्ट है, वो नंबर चार्ट में से देख के बताना है कि 1 के पीछे वाला नंबर कौन सा आएगा। 1 के पीछे वाला यानी कि आफ्टर वाला नंबर कौन सा है? यहाँ पे 2, तो आंसर में 2। वैसे ही यहाँ पे 5 है, तो 5 के पीछे का नंबर 6, तो 6। चलिए, 3, 3 के पीछे का 4, तो हम बोल सकते हैं ना 3 आफ्टर नंबर 4, आंसर में आएगा 4। 8 के बाद वाला नंबर नंबर 9, 6 के बाद नंबर 7, 4 के बाद नंबर 5 आता है, 9 के बाद क्या है? उसके पीछे का नंबर 10, और 2 के पीछे का नंबर 3। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही चार्ट दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ये मैं यहाँ से ही फिलअप करवा। आपकी बुक में दिया हुआ है जस्ट आफ्टर, यानी कि आफ्टर यानी कि पीछे का, तरत ज पछीनो जे नंबर आवतो होय ए नंबरनी वात करवामां आवी छे। 0 થી 20 સુધીના નંબરની અહીંયા વાત કરેલી છે, કે અહીંયા આપેલું છે 5 કમ્સ જસ્ટ આફ્ટર। 5 किसके पीछे आता है? तो 4 के पीछे कौन आता है? 5 आता है।
वैसे ही राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं उसके तुरंत बाद के जो नंबर आते हैं वो नंबर हमें आंसर बॉक्स में करने है। यहाँ पे है 24, तो 24 में हमें क्या करना है, 24 में हमें 21 की लाइन को काउंट करना है, 21, 22, 23 एंड 24, तो 24 के पीछे का 25, चलिए 28 के बाद 29, 35 के बाद वाला 36, 42, तो 43, 49, तो 50, 50, 19, तो 20, 20, 7 के बाद 8, 29 के बाद 30, 30, 9 के बाद 10 आएगा, 11, 11 के बाद आएगा 12, 12, फिर 21 के बाद 22, 33 के बाद 34। हमें क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद का तुरंत जो नंबर आता है वो हमें नंबर लिख लेना है। 48 तो यहाँ पे आएगा 49, 16 तो यहाँ पे 17, 17, 30, 30 के बाद 31। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कीड़े का पिक्चर्स दिया हुआ है, उसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको वो नंबर्स को काउंट करना है, पढ़ना है, और नाउ वो आप नंबर्स पढ़ोगे उस तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आंसर लिखना है। चलिए 1990, 2020, 2121, 2222, तो अब 2222 के बाद वाला नंबर 23, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे आएगा 1, 3, 13। चलिए यहाँ पे 42, 43, 44, 45 एंड 46। चलिए यहाँ पे हैं 32, 33, 34, 35 एंड 36। चलिए 39, 40, 41, 42 एंड 43। तो यहाँ पे हमने ये फिलअप कर दिया। आप लोगों को भी घर से ये आगे का पेज और ये पीछे का पेज आपको घर से फिलअप करना है। नीचे का क्वेश्चन है, कलर द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, यहाँ पे 8 नंबर दिया हुआ है, तो 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, नंबर 9, तो नंबर 9 में क्या किया है, कलर किया हुआ है, तो आपको घर से ये करना है, नंबर 1, 3, 30, तो 1, 3, 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1, 5, 1, 4 या 1, 2, तो नंबर 1, 4 आएगा, तो आपको घर से इसमें कलर करने, 22 के बाद 23 में कलर करने है आपको, 39 के बाद 40 में कलर करना है, 47 क्या है, 47 दिया हुआ है, 47, तो 48 पे कलर करना है, यहाँ पे 30 है तो 31 में कलर करना है, 21 है तो 22 में करना है, 38 है तो यहाँ पे 39 में, 17 है तो 18 में, और 19 है तो 20 में आपको कलर कर देना है। तो स्टूडेंट्स, घर से आपको अपने आपके पेरेंट्स की हेल्प से आगे का पेज और पीछे का पेज ये दोनों भी आपको करने हैं। थैंक यू।